यूपी के बुलंदशहर में खड़ी कार में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गुलावटी रोड बॉम्बे मार्केट के पास की है, जहां सड़क किनारे खड़ी वैगनर कार में ड्राइवर सीट पर कार चालक का शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक की पहचान सिकंदराबाद के काजीवाड़ा निवासी देवेंद्र के रूप में हुई है, जबकि मृतक की मौत अधिक शराब के सेवन से होना मानी जा रही है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने जहां पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं पुलिस अब आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक देवेंद्र शराब का आदी था, जबकि मौत से पहले भी मृतक शराब के नशे में ही बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मृतक की मौत अधिक गर्मी में शराब के सेवन के कारण हुई है, और बुलंदशहर पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। मेरा नाम रघुनंदन सिंह है जी, ये हमारे भाई की मृत्यु हो गई है, उन्हें पुलिस ने सूचना दी हमें, तो इस मारे आए हैं। यहाँ पर ये गाड़ी चलाते थे उसमें टैक्सी में, मृत्यु ऐसे मतलब पीने पाने से या कैसी इसके इसी तरह से हुई है कोई वैसा तो कोई। इनकी उम्र थी जी करीब करीब 55 के 52-53 होगी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शाकिर मलिक, Time24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।